हेलो मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी कर्ण राशि के लोगों की रेडी कर आए हैं, जो कि कर्ण राशि के लोगों को जातकों को बताना चाहेंगे कि आज का दिन कैसा रहेगा और आज आप लोगों को जीवन में किस प्रकार बड़े बड़े बदलाव के साथ बड़े बड़े कुछ घटनाएं घटित हो सकती हैं, कुछ लाभकारी परिणाम को प्रदर्शित करना हो सकता है। और आज के दिन के दैनिक राशि फल, दैनिक पंचांग और दैनिक दिनचर्या आप सभी कर्ण राशि के लोगों के जीवन पे किस प्रकार से भौतिकवादी सुखों की प्राप्ति और बहुत सारी स्थितियों का निर्माण करने के सौभाग्य देता है। और आज आपके जीवन में किस प्रकार परिस्थितियाँ बढ़ने वाली हैं, तो कुछ बड़ी घटनाएं आप लोगों के जीवन पे किस प्रकार घट सकती हैं और बहुत सारी परिस्थितियों का निर्माण से काफ़ी बढ़िया स्थितियों का निर्माण हो सकता है। और आज आपके लिए कैसा रहेगा व्यापार, व्यावसायिक, करियर, लव लाइफ, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से सभी के जीवन में किस प्रकार से लाभकारी परियोजनाओं को बनाने भी आप सभी के लिए किस प्रकार से शुभ बेहतर हो सकते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ऐसे में इस वीडियो को पूरा देखें, उससे पहले वीडियो यदि आपको पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक करें। माता रानी के यदि आप सच्चे दिल से भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर दें। तो दोस्तों, आज का दिन काफ़ी बढ़िया है और आप सभी को जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव हो जाने की सौभाग्यताएँ बनने की स्थिति कही जा सकती हैं और भगवान की कृपा से आपको जीवन में बहुत सारी स्थितियों का निर्माण हो सकता है और आप सभी को जीवन में कुछ चीज़ों को लेकर लाभकारी परिणाम को प्रदर्शित करना भी ज़्यादा एक सौभाग्य का प्राप्त करवाएगा। और आप सभी को जीवन में गणेश जी कहते हैं कि जीवन के हर प्रकार के पारिवारिक सदस्यों के साथ आप सभी को समझौता करना भी पड़ सकता है। दोस्तों, अनुकूल स्थिति बन चुकी है, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने आप को कार्यों को अंजाम दीजिए, आपकी योजनाओं को संक्रात्मक दिशा मिल सकती है। भूमि से संबंधित खरीद फिरोकत का काम संपन्न हो सकता है, साथ ही यह डील आप सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती हैं। किसी भी प्रकार के तरह के आवाजाही करना उचित नहीं होगा। प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों से आप विघ्न न रहें। अपने अगर रुपये पैसों के लेन देन संबंधित कोई भी गतिविधियां चल रही हैं तो आज उसे आप कर सकते हैं या स्थगित रख सकते हैं या चीज़ों को लेकर विकसित कर सकते हैं। बिजनेस में बहुत ही अधिक व्यवस्थाएँ रहेंगी। कर्मचारियों की गतिविधियों पर आपको नज़र रखना ज़रूरी पड़ सकता है और आप सभी को जीवन में काफ़ी लाभकारी परिणाम को प्राप्त कर सकता है। बिजनेस में बहुत व्यवस्थाएं होंगे। कर्मचारियों की गतिविधियों पर आपको नज़र रखना जरूरी होगा। कार्य के क्षेत्र से जुड़े हुए दूसरों फैसले दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय खुद ही लेने की जरूरत रहने वाली है। दोस्तों, जी हाँ, जरूरत रहने वाली हैं कार्य के उम्मीद जो बताएं आप खुद के लिए कोशिश करें। नौकरी पैसा वाले लोगों बदलाव से जुड़ी खबर आपको मिल सकती हैं। परिवारजनों के साथ आज के दिन कुछ समय व्यतीत करना संबंधों को बेहतर चीज़ों को लेकर अधिक नज़दीकियाँ लाएगा। प्रेम प्रसंगों में मधुरताएँ बढ़े रह सकती हैं। पारिवारिक सदस्य स्वास्थ्य संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतें बढ़े रह सकती हैं। वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखना होगा और आप सभी को बहुत सारे कार्यों को करने होंगे। बचाव करना जरूरी भी हो सकता है और आप सभी को जीवन में जाने अनजाने में कुछ कार्य गलत भी तरीके से हो सकते हैं। पुरानी बातों की वजह से तनाव बढ़ सकता है। अभी किसी भी नए व्यक्ति के साथ विश्वास करना कठिन होगा, लेकिन आज जिन भी लोगों से मदद की अपेक्षा है उन्हें प्राप्त करना भी जरूरी हो सकता है। खुद को अकेला समझने की गलती ना करें। वक्त के साथ हर एक बात सुलझती जा रही है और आपको वक्त पर पूरा करना, दोबारा शुरू करना जीवन में आपको विशेष रूप से लक्ष्य को प्राप्त करवा सकता है। समय अनुकूल हो सकता है और आज रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है। भावुकताओं की बजाय चतुराई और विवेक से कार्यों को खेलना परिस्थितियों को लेकर आपके अनुकूल बनाए रखने का। मित्रों और रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर से संबंधित आज प्रोग्राम बनेंगे। आपसे मेल मुलाकात सुखद स्थितियों का निर्माण करेगा। छोटी मोटी बातों को लेकर विचलित जाना भी भविष्य में आ जाना उचित नहीं होगा। कोई भी आज समस्या आने पर किसी भी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करना उचित रह सकता है। दर्शकों पर बेहतर कार्य को जयमा बिंदुवास